माउस, कीबोर्ड और भी। परंतु विशेष रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम कुछ बच्चे इन इनपुट डिवाइसेस का उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों के लिए आज हम एक खास तरह का इनपुट डिवाइस बनाएंगे जिससे कि ये बच्चे भी स्किट का इस्तेमाल कर सकें। इस इनपुट डिवाइस को बनाने के लिए आपको चार स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी, दो थोड़ी मोटी और सख्त स्ट्रिंग और दो पतली और लचीली स्ट्रिंग। ध्यान रखें कि पतली स्ट्रिंग मोटी स्ट्रिंग के अंदर उसको बिना छुए आ सकती हो। अब एक वायर ले लें और उसे स्ट्रिंग के एक हिस्से में अच्छी तरह से शोल्डरिंग आयरन की मदद से शोल्डर कर लें, जैसे कि ये। ठीक इसी तरह दूसरे स्ट्रिंग में भी वायर को शोल्डर करके उसे ऐसा बना लें। दो अलग अलग रंगों की वायर का उपयोग करना अच्छा होगा ताकि इन्हें जोड़ने में हमें आसानी हो। अब हमारे पास ऐसे कुल चार स्ट्रिंग तैयार हैं, दो छोटे सख्त और दो पतले लचीले। स्ट्रिंग को बटन में तैयार करने के लिए थोड़ा सा कपड़ा या बैंडेज और थोड़ा सा सेलो टेप चाहिए। पतली वाली स्ट्रिंग के शोल्डरिंग किए हुए हिस्से में हमने अच्छी तरह से बैंडेज को लपेट लिया है और अब इसे हम अच्छी तरह से सेलो टेप से कस के बांध लेंगे। अब इस छोटे स्प्रिंग के अंदर से पतला स्प्रिंग डालकर इस तरह से निकालें कि दोनों स्प्रिंग आपस में टच ना हो पाए और हो गया हमारा बटन तैयार। ठीक इसी तरह हमें अपना दूसरा बटन भी तैयार करना है। मार्केट से एक जॉयस्टिक खरीद लें। हमने यहाँ इस जॉयस्टिक को खोल दिया है और इसमें से दो स्विच हमने निकाल लिए हैं। हमने इन स्विच की जगहों पर दो सेट तारों को जोड़ दिया है और इन्हें अंदर से शोल्डर कर दिया है। इन तारों को हमने एक कनेक्टर के साथ जोड़ लिया है। इस कनेक्टर के साथ अब हम अपने तैयार किए हुए स्प्रिंग्स को जोड़ेंगे। यहाँ पर हमने ये दो स्प्रिंग बटन तैयार कर लिए हैं। इन दोनों स्प्रिंग्स को हम कनेक्टर के साथ जोड़ देंगे जिसे हमने पहले ही जॉयस्टिक के साथ जोड़ा हुआ है। अब ये दो स्प्रिंग दो बटन की तरह ही काम करेंगे। दोनों स्प्रिंग के आपस में टच होने को कंप्यूटर माउस के एक क्लिक की तरह ही स्वीकार करेगा। बच्चे की सीमित क्षमता अथवा अक्षमता को देखते हुए पतले वाले स्प्रिंग के एक कोने पर बॉल या थर्मोकोल का एक टुकड़ा लगाया जा सकता है जिसे बच्चा इसे आसानी से उपयोग में ला सके। विशेष रूप से अक्षम बच्चे अपनी उंगलियों की मदद से या फिर अपने गालों की मदद से इन स्प्रिंग्स बटन को दबाकर स्किट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये स्किट सॉफ्टवेयर का एक मॉड्यूल है। इसमें आप अभी अलग अलग तस्वीरें देखते हैं। अभी जब तस्वीरें देख रहे हैं और ये वाला बटन दबाएंगे तो क्या देख रहे हैं? अब जैसे स्पोर्ट्स की तस्वीरें आ गई, अब फिर से इस बटन को दबाएंगे, अब तो जैसे स्पोर्ट्स दिख रहे हैं ना, फिर से इस बटन को दबाएंगे तो अब जैसे फ्रूट्स की तस्वीरें अभी दिखने लग गई। फिर से करेंगे तो आप जैसी भी तस्वीरें आपने डाली, अभी कलर्स हैं, जैसे बच्चा जो भी बताना चाहे तस्वीरों के जरिए वो तस्वीरें आप डालेंगे, जो आप उसको सिखाना चाहें उस तरह की आप मतलब तस्वीरें डालते जाएंगे। इसी तरह उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ती जाएगी और जिस तरह से भी व्यक्ति को सिखाया जा सके सिखाने की हमारी उम्मीद है। हम इस प्रकार का एक लकड़ी का ब्लॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम इन दो स्प्रिंग बटन को अच्छे से फिट कर दें। अब इस ब्लॉक को व्हीलचेयर या फिर टेबल या जरूरत पड़ने पर सर के पास भी लगाया जा सकता है। यदि स्प्रिंग बेहद लचीली है तो इस ब्लॉक को उल्टा करके भी लगाया जा सकता है। इस तरह बेहद कम खर्चे में शारीरिक रूप से अक्षम इन बच्चों के लिए स्पेशल इनपुट डिवाइस बनाकर कम्युनिकेशन का एक जरिया प्रदान किया जा सकता है। हम ये आशा करते हैं कि स्किट सॉफ्टवेयर के जरिए ये बच्चे अपने आप को व्यक्त कर सकें एवं कम्युनिकेट कर सकें। धन्यवाद।